प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है, जहां पीएम मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। वहीं इस एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास है, इसलिए इसे सौगात माना जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ऐसा क्या खास है जिसकी चर्चा हो रही है। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने शनिवार को पहुंचे थे, जिसके बाद विशेष विमान से कानपुर एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी किया। बता दें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसका शिलान्यास उन्होंने ही 2 साल पहले किया था। लेकिन जिस वक्त शिलान्यास हुआ, जिसे फरवरी 2030 में पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना संकट के बावजूद इसे 8 महीने में पूरा कर लिया गया। 296 किलोमीटर के दायरे में ये एक्सप्रेसवे फैला हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कितना हुआ है खर्च? अब बात करें कि इनमें पैसा कितना खर्च हुआ है, तो ये भी आपको बता देते हैं। इस एक्सप्रेसवे की जमीन को खरीदने में 2200 करोड़ रुपए लगे थे, वहीं निर्माण में 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और एक्सप्रेसवे की दूसरी खासियत ये है कि इस पर 15 से ज्यादा फ्लाईओवर, 10 से अधिक बड़े पुल, 250 से अधिक छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 4 रेलवे पुल मौजूद है। 7 जिलों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत ये भी है कि ये 7 जिलों को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है। अब 7 जिले कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरात तक है। यही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। 7 शहरों के लोगों को मिलेगी सुविधा। सबसे पहले चित्रकूट। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चित्रकूट के लोग को एक बड़ा आराम मिलेगा, जहां लोग गोंडा से सीधे अपने सफर की शुरुआत कर सकेंगे। चित्रकूट के भरतकूप में उन्हें पहला कट 4 किमी पर मिलेगा। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगे चलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। यहां से लोग आगरा और दिल्ली की ओर रवाना हो सकते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की दूरी में लगने वाले समय को घटा देगा। दूसरा, बांदा। बांदा के रहने वाले लोग मनोखर से एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। बता दें, चित्रकूट के गोंडा से बांदा के मनोखर तक एक्सप्रेसवे की दूरी 50.49 किलोमीटर है। बिस्डा में भी उन्हें कट मिलेगा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर हो या चित्रकूट धाम जाना हो, उनका रास्ता सीधा हो जाएगा। तीसरा, महोबा। यहाँ के लोग कोहारी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। चित्रकूट से यहाँ तक की दूरी 50.3 किमी है। इसके बाद वो आगे एक्सप्रेसवे से ही लखनऊ और दिल्ली जा सकते हैं। चौथा, हमीरपुर। हमीरपुर वासी बोली खरका गांव से एक्सप्रेसवे से जुड़ सकते हैं। चित्रकूट से यहाँ तक की दूरी करीब 50.3 किमी है, फिर लखनऊ और दिल्ली का आगे का रास्ता सीधा हो जाता है। पांचवा, औरैया। औरैया जिले के लोग बखरिया से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। छठा, जालौन। इस जिले के लोग डाकौर, उरई और छिरैया से एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो सकते हैं। सातवा, इटावा। इटावा वासी ककराही और ताखा में एक्सप्रेसवे से जुड़ सकते हैं। क्या होगा कनेक्टिविटी का रूट? नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचेगा, फिर यहां से दिल्ली से जुड़ जाएगा। 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 135 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे, 24 किलोमीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा और 9 किलोमीटर डीएनडी फ्लाईवे को जोड़कर कुल दूरी 630 किलोमीटर होता है। इसे करीब 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। तो फिलहाल कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने
हमेशा देश का नाम रोशन किया है। उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है, लेकिन मैंने हमेशा देखा था अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कई गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है।